आशा कितनी महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति भगवान पे आशा करते हैं उनकी आशा कभी निष्फल नहीं होती। महादेव ने आशा की नंदगांव में, तो मैया का दूत पहुंच गया। लेकिन आशा जब भी करो भगवान से करो और किसी से नहीं। एक बहुत हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे विदेश में, डॉक्टर मार्क, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर थे। वो जिसका इलाज करते थे वो 100% स्वस्थ होता था। उनका खर्चा बहुत था। उन्होंने मेडिकल साइंस में बहुत सारे शोध किए थे। तो एक बार डॉक्टर मार्क किसी बहुत बड़े फंक्शन में जा रहे थे, उन्हें वहां सम्मानित करने के लिए लोगों ने बुलाया था। ध्यान से सुनना, आशा कितनी बड़ी होती है। आशा तो वो हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा, और हवाई जहाज जब उड़ा तो तकनीकी कारणों से हवाई जहाज को उसके स्थान पर न ले जाके बीच में ही कहीं लैंडिंग करानी पड़ी। और उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है 4-5 बजे, और अगली फ्लाइट जो है, ये फ्लाइट जा नहीं सकती क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगली फ्लाइट रात को 10 बजे है, इंपॉसिबल 4 बजे कैसे पहुंचे। तो उन्होंने वहां के किसी व्यक्ति से बात करी कि यहां से कितना दूर है। बोले 4-5 घंटे का रास्ता है बाई कार। बोले ठीक है। अब टैक्सी पकड़ी उन्होंने, टैक्सी मिली लेकिन विदाउट ड्राइवर। विदेश में अधिकांश आपको टैक्सी मिल जाती है, वहां ड्राइवर आपको उतने नहीं मिलते हैं। आप खुद गाड़ी चलाओ, आपको ही चलानी गाड़ी, लाइसेंस होना चाहिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं मिलेगी। कहीं सोचे बोले जाओ ले चलेंगे, नहीं कुछ नहीं हो सकता वहां। वहां बिना ड्राइवर के उनको गाड़ी मिल गई, टैक्सी मिल गई। अब वो खुद चले, कुछ ही दूरी पर चले थे उनका, आधे घंटा डेढ़ घंटा उन्होंने ड्राइव किया होगा। इतने में मौसम खराब हो गया, वहां के मौसम का भी पता नहीं कब क्या हो जाए, कब बारिश हो जाएगी, कब धूप निकल आएगी। मौसम भी वहां का ऐसा ही होता है विदेशों का, तो भयंकर बारिश होने लगी, अंधेरा छा गया। इस चक्कर में वो रास्ता भूल गए, अब जाना कहीं तक पहुंच कहीं और गए। अब तो जहां नजर जा रही है वहां जंगल ही जंगल है, कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भयंकर भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह के चले, दोपहर का 2:30-3 बज गया है, अब कुछ है ही नहीं, और अंधेरा इतना हो गया बारिश की वजह से, चारों तरफ एक व्यक्ति कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, भूख लग रही अलग, हार थक गए। तो एक जंगल से में जब वो पहुंचे तो कोई वहां ढाबा वाबा उतने होते नहीं, वहां तो अलग सिस्टम होता है। हमारे यहां तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, ढाबा रोड पे खोल के बैठे और बहुत अच्छा भोजन भी बनाते हैं। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां ढाबा वाबा नहीं है वहां कोई। तो एक झोंपड़ी उस डॉक्टर को दिखाई दी, डॉक्टर मार्क को। तो इतना परेशान हो रहा था कि इतनी बारिश हो रही थी, गाड़ी चल नहीं रही थी, तो वो उस झोंपड़ी के पास में गाड़ी को ले जाके उसने पार्क कर दिया। वहां उसने गाड़ी पार्क कर दी, बारिश हो रही थी तो दरवाजा बंद था, तो उसने आवाज लगाई, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खुला, एक लेडीज बाहर निकल कर आई। उनने दोनों हाथ जोड़ के स्वागत किया। मेरा स्टाइल है हाथ जोड़े, वो तो जैसे अपना किया होगा। डॉक्टर ने कहा बाहर बारिश बहुत हो रही है, मेरे से गाड़ी चल नहीं रही, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, अगर आप बुरा न माने तो जब तक बारिश हो तब तक मैं यहां रुक सकता हूं। बोले कोई बात नहीं, आप आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूं, आप कुछ चाय पी लीजिए, कुछ उसके साथ बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, वो खा लीजिए। तो अब भूख जिसको लग रही हो उसको चाय और बिस्किट मिल जाए वो मना थोड़ी करेगा, एक सेकंड में भीतर जा। जी जी जरूर। तो चाय उसने बनाई, कुछ बिस्किट दिए, और जैसे ही रखे उसने कहा कि ये आप बाद में खा लेना, पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लें। हम भगवान को प्रार्थना कर लेते हैं पहले। तो डॉक्टर ने कहा सुनो, ये सब पूजा पे मैं विश्वास नहीं रखता, मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ। उसने नहीं कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अपनी मेहनत पे
मैं विश्वास करता हूँ, मेहनत करूँगा फल मुझे मिलेगा। मैं नहीं करता, पर मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, आप जाके जो करना है करिए। तो वो माँ, वो स्त्री छोटे से बच्चे को लेकर भगवान के सामने गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। डॉक्टर चाय पीते पीते ये दृश्य देख रहे, और प्रार्थना में उसकी में जो वो प्रार्थना कर रही है देवी, सिर्फ आशा के साथ प्रार्थना कर रही है, और वो आशा उसके मुख पे पूरी दिख रही है। डॉक्टर को लगा कि जरूर ये महिला दुखी है, तो डॉक्टर ने जब पूजा हो गई, वो देवी जी आई हाथ जोड़ के, फिर कहा और क्या लाऊं? बोले कुछ नहीं, बस मुझे एक बात बताइए, आप मूर्ति पूजा पे विश्वास करती हैं? बोले हाँ बहुत करती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं। बोले नहीं, परेशान तो हर एक इंसान है। बोले मुझे लगा कि आप कुछ भगवान से, अपने भगवान से कुछ मांग रही थी। बोले हाँ मांग रही थी एक आशा के साथ। क्या? बोले मेरा बेटा है, उसके दिल में छेद है, ये जो बेटा है 8-9 साल का है, और इसका इलाज कोई डॉक्टर मार्क कर सकता है। वो बहुत फेमस डॉक्टर है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसकी फीस दे सकूं, अथवा मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं इस बच्चे को लेकर उसके शहर तक भी जा सकूं जहां वो रहता है। जैसे का डॉक्टर मार्क है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर बोले मैं अपने इस भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि तू ही अब इस बच्चे की जान बचा सकता है। डॉक्टर मार्क पढ़ा लिखा आदमी, हार्ट स्पेशलिस्ट, जो भगवान से कभी विश्वास नहीं करता था, आज ये सब चमत्कार देखकर उस माँ से कहता है, माँ जानती हो डॉक्टर मार्क कहाँ रहते हैं? बोले नहीं पता। फीस देने के लिए कुछ है? बोले नहीं। फिर कैसे कैसे होगा तुम्हारे बेटे का इलाज? बोले सब का इलाज करने वाला जगतपति मेरे बेटे का इलाज जरूर कराएगा।